सक्सेस जिसके कूल सेकी थी क्या बोलते हैं यार मुंह ही नहीं दिख रहा है आपको पता चल गया हो गया इस टाइटल एंड थंबनेल से कि आज का वीडियो हमारा क्या है. सो टुडे आई एम मेकिंग फर्स्ट टाइम कुकिंग. टुडे आई कुक फर्स्ट टाइम फॉर माई फैमिली. मेरी इंग्लिश थोड़ी सी है ऐसी, तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट. सो चलिए हम आज का व्लॉग देखते हैं एंड आपको आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा आई थिंक सो. तो चलिए स्टार्ट. फाइनल ठीक है चलो ये लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे ये बड़ी वाली कढ़ाई ले ली हूँ. अभी हम इसको गैस पे रख देंगे हाई फ्लेम पे. अभी तो फिलहाल लो फ्लेम है बट मैं हाई फ्लेम पे कर दूँगी एंड इसको थोड़ा सा हीट कर लेंगे. जो भी इसका पानी है वो सुखा लेंगे. या लेट्स डू इट. मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ और भाभी यहाँ पे रोटी बना रहे हैं. तो अभी हम फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं उसने क्या क्या डाली है किस हिसाब से डाली है. तो मैं यूट्यूब की मदद से ये सब लिख के ले रही हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी हो मैं पेपर से देके ट्राई करूँ. और इसको यहाँ पे हम स्टिक कर देंगे. सो चलिए हम बटर पनीर मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. इसमें डाल लेंगे ये टमाटर. बॉइल 10 मिनट्स. तो इसको अभी 10 मिनट्स के लिए बॉइल होने रख देते हैं. हो जाएगा नहीं 10 मिनट्स. चलो आते बाय बाय. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. अब इसको एक पीस में निकाल के ठंडा करना पड़ेगा. हो गया गैस बंद कर दू ना अभी. तो गैस को बंद कर देते हैं. इसके ये ठंडे होता क्यों ना हम जब तक चिल करें. चिल ये स्ट्रॉ है मेरी. यानी स्ट्रॉ है. ये है गाइस लेमन वाला जूस. तो लेट्स ट्राई दिस. मैंने अभी कांदा टमाटर का मसाला भून के जो निकाली तो मैंने इसके ऊपर से ये काजू डाली हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा. क्योंकि अगर ये बॉईल हो जाता ना इसके साथ तो थोड़ा वो हो जाता था अजीब लगता टेस्ट. तो मैंने इसके लिए इसको ऊपर से डाली. तो आप भी ऐसे ही डालना. मेरा जो मसाला है ये मसाला फुल होने तक मैं सोच रही थी पनीर को हम क्यूब्स में काट लेते हैं क्योंकि हमारा उतना ही टाइम बचेगा. सो लेट्स डू दैट. सो ये ठंडा हो चुका है तो इसको हम मिक्सर में लेके पीस देते हैं. आगे की लिस्ट बनानी है और ये पिछली लिस्ट है जो कि जितना मिक्स करने वाला सामान था वो है. ये
अभी हमें वापस से कढ़ाई रखनी है क्योंकि अभी हमें एक और मसाला रेडी करना है जो कि पनीर का मेन मसाला होगा। तो हमारा चावल भी रेडी है और यहाँ पे रोटी भी रेडी है एंड ये मच्छी अभी तक रेडी नहीं है। ये देखो गाइस, ये जो ऑयल आ रहा है ना ऊपर वो हमें चाहिए और थोड़ा पकने देना। और जैसे कि गाइस बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं एंड माय सम ऑफ फैमिली रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि अपना हाउस टोल दे, मतलब इस पर नहीं बोल रहे उन लोग, यूट्यूब के कमेंट्स पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं मिलने जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो मेरे सब फ्रेंड बोल रहे हैं रूम टोल दे, अपना हाउस टोल दे, कुछ तो दे लेकिन हाउस टोल दिखा हमको। तो मैं उन लोग के लिए खासी बोल दूँ कि अभी एक्चुअली मैं मेरा घर वो कंडीशन पे नहीं है कि मैं आपको वो हाउस टोल दिखा सकूँ। इट्स सम मेसी, थोड़ा सा बिखरा हुआ है घर का चीज़ें, तो कोई टाइम देखूँगी जब कम लोग हैं और मैं तभी मैं बनाऊंगी। एंड सीरियसली बोल रही हूँ, मैं आपको बनाऊंगी इस दिवाली की छुट्टी में हाउस टोल आपको दूंगी। आई मीन दिस सीरियस, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने आप लोग की इच्छा पूरी नहीं करी। मैंने आपको उसका रीज़न दे दी, मेरा घर थोड़ा सा मैसी है, जब सॉर्ट आउट हो जाएगा सामान तब तो मैं अभी खोद में दिखी नहीं कहाँ है खोद में दादी से पूछो, दादी खोद में कहाँ है वो कपड़े के खाई। कैसा बना है जल्दी बताओ जी। सो यम्मी, सच में थैंक यू। यस, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब लाइक देना तो सक्सेस। यस, तो आई पास्ड माय मिशन, तो सबको बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने भी एक ही वाला खाई हूँ एंड आई फील लाइक अच्छा है क्योंकि ये टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा आया है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं पसंद आया है तो भी लाइक करना, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल, सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।